नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आइए डालते हैं नजर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ओर। मतेतू के पास मकनपुर रोही में आयोजित श्री अतिरुद्र महायज्ञ में संगीतन में श्री राम कथा में अयोध्या से पधारे राम बालक दास महाराज ने भक्ति और मोक्ष के बारे में बताते हुए कहा कि जीव का परम लक्ष्य मोक्ष ही है, लेकिन जीव विषय में लिप्त रहने से भक्ति से दूर रहता है। कहा कि एक क्षण भी बिना विषय के जीव नहीं रह सकता, भगवान की कृपा से जीव माया मोह के बंधन से मुक्त हो सकता है। कहा कि लोग विविध कार्यों के लिए विविध देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं। मोह रूपी रस्सी के बंधन से मुक्ति तभी हो सकती है जब भगवत कृपा होगी, तभी यह संभव है। लोग मोह की वजह से माया के चक्कर में होने से मुक्त नहीं होते, जबकि राजा परीक्षित ने केवल एक बार कथा सुनने से मुक्ति मिल गई थी। मोह में फंसे होने से उद्धार संभव नहीं है। नीति और नियति बदलने के यज्ञ होता है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है, जो पूरे विश्व के वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से संवाददाता अंकित पांडे की खास रिपोर्ट। महाराज जी, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मकनपुर मंदिर पर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? जी, मेरा नाम विमलेश गिरी, मैं यहाँ इस मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पे बराबर यज्ञ हवन पूजा पाठ वगैरह होता रहता है। इस बार विश्व कल्याण के लिए यहाँ पे अतिरुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। जो कार्यक्रम 25 फरवरी से चल रहा है, इसमें अतिरुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा स्वामी राम बालक दास जी महाराज छोटी छावनी अयोध्या के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। आज कथा का कितना दिन हुआ? कथा का तीसरा दिन, कथा का दोनों का तीसरा दिन है। इसमें इसी बीच में शायद रामलीला का भी कार्यक्रम रखा। रामलीला का कार्यक्रम भी है, राम स्नेही महाराज जी का मैहर वाले भारत प्रसिद्ध रामलीला है, वो भी 8 बजे से चलता है। पूरा उसमें भगवान राम की झांकी का पूरा दर्शन कराया जाता है। अच्छा, तो आज ये कथा का तीसरा दिन है जी।